हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है गाइस। एनएमसी के थ्रू एनएमसी बिल जो है वो पास कर दिया गया है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो बिल पारित किया है उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से रूल एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, कौन से चेंज हो रहे हैं, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस, आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, चाहे ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड हो, चाहे स्टेट कोटा काउंसलिंग से रिलेटेड, ऑफिशियल नोटिस, कट ऑफ, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, हम बात करते हैं एनएमसी बिल को लेकर। काफ़ी टाइम से विवाद चल रहा था, एनएमसी बिल पास होने पर जो स्टेट्स है वो काफ़ी स्टेट्स ने अप्लाई जो था एनएमसी बिल पास भी कर दिया था, लेकिन पास होने के बाद कुछ स्टेट्स पर स्टे भी लगी, ठीक है। तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन है एनएमसी बिल में, क्या क्या चेंज किया गया है, किस चीज़ को लेकर डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर एनएमसी बिल पास हो जाता है तो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस चीज़ से बेनिफिट क्या मिलेगा कि एनएमसी बिल के अंदर एक जो रूल है वो ये भी डाला जा रहा है कि जितने भी स्टेट के कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी 50% सीटों पर जो फ़ी होगी वो गवर्नमेंट सीट्स के इक्विवेलेंट लगेगी। मतलब जो गवर्नमेंट फ़ी होगी वही प्राइवेट के अंदर 50% सीटों पर एप्लीकेबल होगा। तो इसमें काफ़ी स्टेट्स को प्रॉब्लम है, काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है। तो एक बार देख लेते हैं इसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है। 1956 में बने एमसीआई एक्ट के स्थान पर एनएमसी बिल को लाया गया। आयोग में कुल 25 सदस्य होंगे, इसमें राज्यों के सदस्यों की संख्या 11 होगी। एमआईडीएमके ने राज्यसभा में बिल का विरोध करते हुए वॉकआउट किया, ठीक है, तो बिल का विरोध भी हुआ है। मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया के स्थान पर नई संस्था के गठन के लिए सरकार ने एनएमसी बिल को लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी गुरुवार को पारित कर दिया। एमआईडीएमके ने इस बिल का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। दरअसल एनएमसी बिल 1956 में बनाए गए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त करने का प्रावधान है। लोकसभा से 29 जुलाई को ही इस बिल को पारित करा लिया गया था। आयोग में राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व मिला, हर्षवर्धन। तो केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 25 सदस्यों में से 11 राज्य से ऐसे होंगे, इनमें से 21 सदस्य डॉक्टर होंगे जो डॉक्टरों की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेंगे। उन्होंने बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पहले से ही एक संस्था है जो 13 भाषाओं में परीक्षाएं आयोजित करती है। एनएमसी बिल के कानून बनने के बाद अगले 3 साल में इसे लागू करा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नीट की काउंसलिंग पूरी तरह पारदर्शी है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद को बहुमूल्य सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस बिल को देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए एक बड़ा सुधार माना जा रहा है। इस बिल में किए गए प्रावधान के अनुसार एमबीबीएस के फाइनल ईयर के छात्र इस परीक्षा को पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश पा सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई ग्रेजुएट किसी विदेशी विश्वविद्यालय से भारत आते हैं तो उन्हें यह प्रैक्टिस करने के लिए यह स्क्रीनिंग टेस्ट का काम करेगा। तो गाइस, एनएमसी बिल को लेकर जो था ये न्यूज़ थी, एनएमसी बिल पास होने को लेकर, ठीक है। एक कमेटी बनाई गई है, 25 सदस्य की एक कमेटी है एनएमसी बिल को लेकर। लेकिन गाइस, मैं ऑफिशियली अगर बात करूँ, जैसे एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल नोटिस इसको लेकर अब तक नहीं डाला गया है। तो जैसे ही जब ऑफिशियल नोटिस डाला जाएगा तब उसको ओरिजिनल माना जाएगा, उससे पहले ओरिजिनल नहीं माना जाएगा। ये सोशल मीडिया न्यूज़ में ये बात आ रही है कि एनएमसी बिल पास हो गया, लेकिन मैं ये भी बता दूं कुछ स्टेट्स ने पास किया था जो अब स्टे लग चुकी है, ठीक है। तो फाइनल डिसीजन एनएमसी का ऑफिशियल नोटिस ही डिसाइड करेगा। जैसे ही ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको इस चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।